गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि पिछले जो लेसन हुए अपने उसमें आप प्रेजेंट के पूरे टेंस सीख चुके हो, पास्ट के आपने पूरे टेंस सीख लिए हैं। अब हम अगला टेंस लेते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य में जो चीज़ें होंगी उसके लिए फ्यूचर टेंस है। उसके भी फोर पार्ट्स होते हैं, आपको बताया गया था, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल फ्यूचर को हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। जो कार्य फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। क्या पहचान होती है? ऐसे वाक्य होते हैं इसके लास्ट में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, जैसे राम स्कूल जाएगा, वह पुस्तक पढ़ेगी, पढ़ेगी, खाएगा, सोएगा, पिएगा, हंसेगा, रोएगा। ऐसे शब्द अगर वाक्य के अंत में आ रहे हैं तो हम पहचान कर लेंगे कि वो फ्यूचर सिंपल टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक्य है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन सेल और विल का यूज करते हैं। सेल किसके लिए आएगा? सेल आएगा हमारे आई और वी सब्जेक्ट के साथ, हम सेल लगाएंगे और बाकी अन्य सब्जेक्ट्स बच गए उनके लिए, सबके लिए हम विल का यूज करेंगे। वैसे आजकल इंग्लिश में सेल और विल की जगह विल का ही यूज किया जा रहा है सब जगह। इसके बाद में देखिए मैन वर्ब, मैन वर्ब के इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंपल फ्यूचर में मैन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। किस प्रकार से सेंटेंस आगे बनेंगे इसमें? तो सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य है जिसमें नहीं शब्द नहीं आता है, नहीं वगैरह ये नहीं आते हैं। साधारण जब हम बात करते हैं सकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे राम स्कूल जाएगा, राम सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में जानेगा वो है, उससे पहले हम विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो राम विल गो टू स्कूल सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दी। उसके बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल। स्ट्रक्चर अभी आपको काफी समझ में आ गया, स्ट्रक्चर के विदाउट भी आप समझ सकते हो। सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा, जो चीजें बच गई। अब हम अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नहीं शब्द आता है बीच में, जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाएगा, तो राम स्कूल नहीं जाएगा, नेगेटिव। राम स्कूल नहीं जाएगा, राम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने विल, फिर नॉट का यूज करेंगे यहाँ पर, राम विल नॉट गो टू स्कूल, राम विल नॉट गो टू स्कूल। इसके आगे हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है। क्या राम स्कूल जाएगा? क्या राम स्कूल जाएगा? इसका सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जिसका आंसर यस या नो में आता है, तो हम राइट करेंगे विल राम गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लास्ट। क्या राम स्कूल जाएगा? विल राम गो टू स्कूल। अब इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। क्या राम स्कूल नहीं जाएगा? इसका बना देंगे हम विल राम नॉट गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल नहीं जाएगा? इसको हम डब्ल्यू एच में बना सकते हैं, डब्ल्यू एच सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में नहीं आता है, तो डब्ल्यू एच में क्या राम स्कूल क्यों जाएगा? जैसे सेंटेंस है, राम स्कूल क्यों
जाएगा, राम स्कूल क्यों जाएगा, क्यों शब्द आ गया, जो डब्ल्यू एच वर्ड आ गया क्यों, तो इसका सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाई विल राम गो टू स्कूल, वाई विल राम गो टू स्कूल। इस प्रकार से डब्ल्यू एच सेंटेंस भी बना सकते हैं, इसमें डब्ल्यू एच जो वर्ड पहले आएगा उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या सेल में से, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी इसके। आशा करता हूँ कि सिंपल फ्यूचर आप समझ गए होंगे, इसकी एक्सरसाइज आपको दी जाएगी अभी। तो कोई भी समस्या आपको कहीं पर फेस करते हो समस्या को, तो आप हमें बताएं उसके बारे में। आज के लिए सब इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।